LG का स्प्लिट AC है। कस्टमर का प्रॉब्लम था कि इसमें लाइट नहीं आ रहा, कुछ दिन पहले इंस्टॉल किया था मैंने, तो इस तरफ से बार बार चूहा जा रहा है और अंदर जाकर वायरिंग कर देता है इसका बार बार। तो आज इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले तो स्टार्ट कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें, शायद तार काट दिया हो, मेन तार हो या कलेक्शन का जो मेन तार होता है, यहाँ से इसमें लाइट ही नहीं आ रहा, चेक करें क्या दिक्कत है इसमें। लाइन काटे, डिस्प्ले का लाइन का, सॉरी वायर काटे हुआ, ब्लू वाला नहीं, सेंसर है, क्वाइल सेंसर है वो, ब्लू वाला क्वाइल सेंसर है ना, उसे कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्ले का लाइन नहीं आ रहा, तो डिस्प्ले का तार देख जैक, डिस्प्ले का जैक लगा हुआ है, ऐसा कर फ्यूज दे, फ्यूज चेक कर, स्विंग मोटर का तार काटे हुआ, ये क्वाइल सेंसर का तार काटे हुआ, स्विंग मोटर का पूरा जोर से काटे, बंद बंद कर, उससे कोई दिक्कत नहीं, खराब भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। ऑन करने पर इसमें CH एरर आ रहा है, तो पहले सेंसर का वायर जोड़ के देखता हूँ, अगर सेंसर का प्रॉब्लम होगा तो ठीक होगा, नहीं तो आगे स्टेप बढ़ेंगे इसका। अभी तो सेंसर का तार काटे हुआ यहाँ, ये तो चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, स्विंग मोटर चलेगा क्या, रीसेट रीसेट बंद कर दिया, रीसेट बटन देखना, रीसेट बटन बटन ऑन करना, हाँ पुश कर, बोलेरो का तार काट दिया, कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर ऑन हो गया, बोलेरो का फैन चलते हो गया फैन, ये कंप्रेसर का सिंबल है, एक कंप्रेसर सिंबल है, एक टेम्परेचर है और एक पावर है, अब फोड़ो इसे। उस दिन हम कन्फ्यूज, इसमें सेंसर का तार काटे हुआ था, सेंसर तार जोड़ दिया तो मशीन ओके हो गया, बाकी रहा चूहा का एंट्री, एंट्री जो होता है उसको ब्लॉक करना, अगर ब्लॉक नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे तो फिर चूहा घुसेगा, फिर तार काटते हैं, फिर कस्टमर को प्रॉब्लम होगा, तो पहले ऑन कर दिया इसको, उसके बाद वो उसको ब्लॉक करेंगे। वन साइड हो गया, टू साइड, ये थ्री साइड, अब चूहा नहीं जाएगा इसमें, आप चुआ नहीं जाएगा।